नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट का नामा में। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान ने बॉलरों का मार मार के थुम्बा बना दिया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने बॉलरों को कोस रही है। पिछले 3 टेस्ट मैचों में पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों का औसत जो है वो 350 का है। इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वही है जो रमीज राजा के एरा की थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 दिन में पिच नहीं बनती। अब जो पिच बनेगी अगर उसमें हाँ, शायद अफरीदी जिसपे लोग ढोल लेके बाहर निकले थे, बाबर आजम ने क्लियर कह दिया था कि चीफ सिलेक्टर आएंगे तो हम टीम बनाएंगे, तो ये शायद अफरीदी साहब ने टीम सिलेक्ट की है। बाबर आजम ने तो की ही किया। बॉलर अगर आप पूरे नहीं लेंगे और टेस्ट मैच जीतेंगे, शान मसूद को पता है बहुत अंग्रेजी करके बोल ली, नहीं चलेगा, अब म्याऊ नहीं चलेगा, फाड़ के रख देंगे अगर आपने ये किया तो बार। तो मेरा भाई अब टाइम आ गया है टू मेक टफ डिसीजन। फिर तो है, अगर मैं आपको लिख के देता हूँ, इमाम और ये अब्दुल्ला वगैरह जल्दी आउट हो गए, पाकिस्तान विल लैंड इन मैसिव ट्रबल। काम कर दिया इन लोगों ने। मैं आपको सच्ची बात बता, ये नई काबीना जो आई है ना बीसीबी की, ये शो किया है इस मैनेजमेंट ने, क्योंकि साजिश की मैनेजमेंट है जी। ये पिछले वालों की, जिनका एक ही हीरो है उसके बाद सरफराज हीरो नहीं है जी, ठीक है, ये उनकी साजिश है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके खिलाफ साजिश है। ये नई मैनेजमेंट शकील शेख साहब आपके खिलाफ साजिश है। इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि पाकिस्तान को घंटे का नहीं पता कि रूल्स क्या होते हैं, ना मैनेजमेंट को पता है, ना कप्तान को पता है, ना वाइस कप्तान। तू वाइस कप्तान बना हुआ है, तुझे नहीं पता क्या ये क्या क्या इंटरनेशनल जो खबर बनी है, ये किसके लिए बनाई गई है? एक और खबर भी बनी है कि आखिरी 3 टेस्ट मैच में 1 विकेट लिया हमारे फास्ट बॉलर ने, फिर ये एक वसीम की। ये तो कह रहे थे शाहीन ने और हसन ने, तो जो है वो पता नहीं क्या क्या आखिरी 3 टेस्ट 3 टेस्ट 41, इसमें तो ये थे ही नहीं ना, 41 विकेट ली हुई है। अब वो तो पुरानी बात हो गई ना, वो तो रिवर्स रिवर्स बॉल बना बना के जो दी थी उस वक्त की बात थी भाई। पाकिस्तान क्रिकेट राइट पाथ पे लाने वाले लोग तो आ गए, बट टीम मैनेजमेंट डिजर्व नहीं करती। सुबह बाबर देखें यार, वो फील अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये है, ऑल ऑफ द सडन बाबर आजम क्यों अच्छा फील नहीं कर रहे? पहले भी वो एक बार सिक्योरिटी का गुस्सा उतारा, आज उन्होंने किसका गुस्सा उतारा है? और वो इंजरी क्या थी, या वो सर में दर्द वर्द होता है इंसान के, नॉर्मल है, हमारे भी होता है, तो उसकी तफसीलात आनी चाहिए कि क्या अनवेल था, जो फिर उन्होंने देखा लंच के बाद कि भाई हर तरफ सरफराज सरफराज हो रहा है, तो वो तरके भी आ गए फील्ड पे घंटे का फ्लो। और आने के बाद उन्होंने जान के जो है वो बॉलर से बात की, इतनी बात वो उन्होंने पूरी इंग्लैंड की सीरीज में नहीं की जितनी अगले 10 मिनट में कर ली। क्या था ये, क्या ड्रामा था, पता नहीं है क्या आपको? नहीं, जब बैच करने वाली बात होती है तब आप बैच नहीं करते, वरना 161 वो बेचारा बना रहा है उस पर आप कह रहे हैं कि यार वो अच्छा नहीं खेला। नहीं तो मैंने तो बता दिया था क्यों। अब ये रात को जो हम नक्शा खींच के गए थे कि उसने कैच भी छोड़ा हुआ है डेरिल मिचेल ने, वो मारेगा, ब्लंडल भी कोशिश करेगा कुछ बॉले लेके के तेज खेलूं, और विलियमसन सो जाएगा। विलियमसन का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या बम्बार्ड है भाई। अच्छा ये बदला पता है, अब से नहीं ले रहा विलियमसन, इसने 2000 बहुत मार रहा है पाकिस्तान को टेस्ट में। आखिरी सेंचुरी इसने 2021 में मारी थी, हमने सुबह सुबह प्रोग्राम किया था क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद मारी है। अच्छा फिर मैं आपको जरा बता दूं, आपने तो जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाए बाबर आजम ने, जब बाबर आजम के अच्छे रन जिम्बाब्वे के खिलाफ है, वरना हार में है, या तो जिम्बाब्वे के खिलाफ है या वरना हार में है इसके रन। हाँ सुन ले, नहीं मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ जी, या तो जिम्बाब्वे के खिलाफ है या हार में है। तो ये वो क्यों नहीं बता रहा गधेड़ा स्टैटिस्टिशियन, ये विलियमसन जो है इसने पिछली 6 इनिंग में तकरीबन 800 रन बना चुका है पाकिस्तान के खिलाफ 142 के एवरेज से। अबे इसके खानदान में क्या, इसके क्या मुल्क में कोई इसको ग्रेट कहने वाला क्यों नहीं है? इसको कवर ड्राइव पसंद है बाबा। तुम इस लाती को क्यों सरों पे बिठा रहे हो भाई, इसने दिया क्या, इसने तुम्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं दिया इतना एवरेज। 99 पे आउट भी करवाया T20 में इसने जिम्बाब्वे से। यार अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ यार वो तो है मेरा घंटे का किंग, मेरा घंट। अरे लानत भेजी विलियमसन ने आज भाई, बोलो ना गधेड़े स्टैटिस्टिशियन किधर हो तुम लोग।
नहीं आप वो क्यों नहीं बोल रहे कि वो बॉलर अगर 15 रन कम देते तो बाबर कह रहा था जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में जीत जाता। रिजवान वाइज का बयान है बे, वो सब्स्टिट्यूट था, सब्स्टिट्यूट भेज दिया, सब्स्टिट्यूट वाइज का घंटे को ये नहीं पता कि मेरा जो वाइस कप्तान है वो शबेरा थी, उसको लॉस भी नहीं पता, एक मैच हैदराबाद या वर्ल्ड कप में से। नहीं, असल में ये दो गेमें थी, एक तो नई मैनेजमेंट को अजीब करने की, दूसरी सबसे बड़ी गेम थी क्या रिजवान खत्म नहीं हो रहा टेस्ट में, पब्लिक को ये बता दे। एक तो पहले वो ग्राउंड में आया उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि कप्तानी करनी कैसे, अब उसे कुछ पता थोड़ी है, वो सिर्फ टीआरपी लेना जानता है भाई, पांव सीधा करेगा पांव टेढ़ा करेगा फिर भी रेस्ट नहीं लेगा, बड़ी स्क्रीन देखकर वो डायरेक्शन दे रहा है ताकि पता चले लोगों को कि मैं कप्तान हूँ। अबे लालन भेजती उसने सुस्तरी नहीं खेल के, विलियमसन ने तेरे मुंह पे एक और घंटा खींच के मार दिया। नहीं उसने कहा मुझसे स्लो नहीं खेल सकते तुम, वर्ल्ड क्लास में एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया ने कैसे लिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होनी है वो आपको बताएंगे कैसे एडवांटेज लेंगे, बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी वो बांग्लादेश ने तक फाइट किया इंडिया के अगेंस्ट, ये होम एडवांटेज होता है, पाकिस्तान श्रीलंका में उनको हरा नहीं सका, पाकिस्तान वेस्टइंडीज को उन्हें हरा नहीं सका, यार ना आपसे टर्नर बन रहे हैं ना मुझे बाबर की अप्रोच नजर आ रही है ना बाबर का माइंडसेट नजर आ रहा है, कप्तानी भी समझ नहीं आ रही, बॉलर्स भी क्लूलेस नजर आ रहे हैं, क्लूलेस बॉलिंग नजर आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही कि कोई टेस्ट के बॉलर, वजह यह कि वसीम जूनियर क्या कर रहे हैं टेस्ट में आप मुझे बता दें, वो टेस्ट का बॉलर है, कितने टेस्ट मैच खेले हैं, कितने फर्स्ट क्लास के टेस्ट खेले हैं, आप मुझे ये बताएं कि वसीम जूनियर को आपने प्रायोरिटी दी हुई थी मीर रमजान के ऊपर, ठीक है मीर रमजान भी परफॉर्म करेगा, असल नहीं खेला वो नहीं, मीर रमजान से आपने ओवर कितने करवाए आज, शुरू में 2 से 3 कराए पर आपने बिठा दिया उसको, नए बॉल का बॉलर तो बॉलर हिलाता है दोनों तरफ, ये बॉलर है बुरी बात है यार, फिर हसन अली मुझे अब आई डोंट नो क्या मतलब टीम की जो सोच क्या नजर आ रही है किस माइंडसेट का चल रहे हैं, आई डोंट नो कि किस अप्रोच के साथ ये लोग जो है टीम को चला रहे हैं, सुक्लैन मुश्ताक साहब बहुत अपना सिस्टम बनाया हुआ है, फुदू लगाया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही यार, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कुछ जाओ किसी और को मौका दे, टोटल क्लूलेस नजर आ रही है, और यानी सबसे जो बड़ी वजह है और जो बुरी वजह है कि आप टेस्ट में इतना नीचे जा रहे हो, मैं अगर आपको बताऊं जो आपके बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में उनकी एवरेज 350 को टच कर रही है, 350 की एवरेज का मतलब पता है आपको क्या है, मतलब ये है कि 350 रन के बाद एक विकेट आ रहा है, यानी कि फास्ट बॉलर 350 रन देती है मिल मिला के फिर विकेट लेते हैं जो टेस्ट क्रिकेट में किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं है। अब इसके 2-3 रीजन हैं कि आप इतना क्यों डाउनफॉल आ रहे हैं पाकिस्तान का टेस्ट में, एक वजह तो ये है कि आप पिचेस आपकी स्ट्रेंथ क्या मुझे बताओ, फास्ट बॉलर आपका अच्छा करते हैं स्पिन आप ट्रैक बना ही नहीं रहे, दूसरी बात ये कि जो आपकी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप जो टेस्ट के बॉलर हैं हसन और अब्बास उनको आप चांस ही नहीं दे रहे जो टेस्ट के बॉलर हैं, कौन सी क्रिकेट हो रही है, बाबर आजम इंतजार कर रहा है, या अल्लाह वो वहीं पे मुसल्ला ना बिछा ले, या अल्लाह किसी तरह विकेट दिला दे, देखे वसीम के पास हिंट आ रहा है हल्का फुल्का, लेकिन रिजवान साहब 80+ 86-87 ओवर आपके स्पिनर्स ने डाल दिए हैं यार, वो कोई कोहलू के बैल है, वो कोई गधे है कि आप उनके ऊपर सामान लाते जाएं लाते जाएं लाते जाएं, और बोल पे बोल सेकंड इनिंग में कौन बॉलिंग करेगा इनके अब्बा जी, इब्रार के साथ भी गए, नौमान तो खैर उम्र के उस हिस्से में है जिसे दर्द वर्द का पता ही नहीं चलता होगा, इतने दर्द पहले से होते होंगे तो एक दर्द और बढ़ा लें, अभी मैं सही कह रहा हूँ इस उम्र में दर्द वर्द का नहीं पता चलता कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, बहुत दर्द जमाने वालों ने।